का। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में जो हम आपको डायग्राम बताने की कोशिश करते हैं वो कट ऑफ सर्किट की है, लेकिन उसके डेवलप करदा डायग्राम जो है हम आपको बताएंगे। पहले मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि वीडियो के लेफ्ट साइड में जो मेरा प्रोफाइल का पिक्चर है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि चैनल पर मौजूद बहुत से कीमती और पॉपुलर वीडियो हमारा मौजूद है। आप एक बार विजिट करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वहाँ पर कितने कीमती और अनमोल वीडियो मौजूद है। मिसाल के तौर में एक जनरेटर की एक वीडियो की थंबनेल यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जनरेटर की रेस आप खुद मुरम्मत करें। तो अगर आप चैनल पर विजिट करें, इस वीडियो को एक तवज्जो से देखें एक बार, तो उम्र भर के लिए आप मतलब कि खुद में जनरेटर की रिपेयर के माहिर बन जाएंगे और रेस जैसा प्रॉब्लम जो होते हैं वो आप आसानी से सेट कर सकेंगे। तो आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ के जो कट ऑफ सर्किट है उसकी साथ सारे कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पर दिया है, यानी जितने भी उसमें स्मॉल कंपोनेंट्स पुर्जे लगे होते हैं वह यहाँ पर आपको बता दिया और डायग्राम भी आपके साथ मौजूद है। डायग्राम के ऊपर लिखा गया है ये सर्किट प्री सेट वेरिएबल के मुताबिक एक ख़ास वोल्टेज पर रिले को ऑपरेट करता है। तो इस तरह लिखा है क्योंकि एक ख़ास वोल्टेज से जब वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो यह सर्किट रिले को ऑन करता है, ऑपरेट करता है। और दूसरा सर्किट और इस सर्किट में दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरा सर्किट की डायग्राम हम यहां पर आपको बता दें, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। यह सर्किट 220 वोल्ट से कम वोल्टेज पर रिले को ऑन करता है। जब वोल्टेज 220 वोल्ट से बढ़ जाए तो रिले ऑफ होता है। सर्किट नंबर वन की बिल्कुल उलट सर्किट है, क्योंकि उसमें सिंगल ट्रांसिस्टर इस्तेमाल होता था और इसी सर्किट में डबल ट्रांसिस्टर का इस्तेमाल हुआ है। और इस सर्किट को आप फरोख्त करके इस डायग्राम को फरोख्त करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डायग्राम रिपेयरिंग में भी मदद दे सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ महफूज कर सकते हैं। पहले वाले सर्किट में जब ईएमएफ 220 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो रिले ऑन होते हैं और इसमें ईएमएफ 220 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो रिले ऑफ होता है। बिल्कुल अच्छी सर्किट है और परफेक्ट काम करता है दोनों सर्किट्स, और इसके साथ कंपोनेंट्स का डाटा भी मौजूद है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।